So good morning guys, with another day, day 3. So guys, welcome back to my channel, Aim to Explore. My name is Vikas Chaudhary. With charging of energy होगा, वैसे अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी जस्ट जगा हूँ. कहना चाहूँगा सीरियसली गाइस, जो यहाँ का मौसम है ना, रियली यार क्या औसम मौसम. तो भाई रात को मौसम के हिसाब से किसी ने किंगफिशर बियर भी लिया है, बहुत अच्छे किंगफिशर और दूसरे यूट्यूबर. या बट सीरियसली गाइस, अगर आप जयपुर आते हो तो ये वाली प्रॉपर्टी ट्राई करना. सीरियसली यार, एक नंबर है, एक नंबर. क्योंकि ना, एक तो देखिए आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था, प्रॉपर विंटेज कार का कलेक्शन है इनके पास. विंटेज कार कलेक्शन में भी जाती हैं इनकी, जैसा कि उन्होंने बताया. और ऊपर जो है रूफ टॉप है, और ये सारी प्रॉपर्टी सामने पार्किंग है. सीरियसली इट्स ऑसम. तो गाइस रेडी होते हैं, उसके बाद चलते हैं रेडी होके. गाइस देख सकते हो पूल, जिसमें कि हम नहाए नहीं आज. पानी थोड़ा सा गंदा था. बाकी इस होटल की प्रॉपर्टी यार, सीरियसली यार, सीरियसली मैन, जो प्रॉपर्टी है. अभी मैंने आपको पूल दिखाया, अब करते हैं चेकआउट. और चेकआउट करके मिलते हैं आपको ऑन द वे. बट सीरियसली मैं आपको रिकमेंड करूँगा गाइस, परफेक्ट है, एक नंबर. लिंक मैंने दिया. और प्लीज़ यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो यार. कमेंट बोलना भूल जाता हूँ तो करते क्यों नहीं हो यार, करो. ओके देन गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, होटल से चेकआउट करके अब हम जा रहे हैं सज्जनगढ़ मॉनसून फोर्ट हिल, जो भी है, क्योंकि कई सारे नाम हैं. और होटल के जस्ट बगल बगल से ये फतेह सागर के, और फिर से ये ड्रिजलिंग होने लग गई, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं. और भाई मौसम तो रियली बहुत मज़ेदार है. और वैसे गूगल पे लगा रखा है, गूगल के हिसाब से अभी 10 मिनट 15 मिनट दिखा रहा है. ये भैरव जी का मंदिर है बीच में, जैसा कि एक भैया से भी पूछा था. गाइस फाइनली हम सज्जनगढ़ पैलेस आ गए हैं, और ये है मेन गेट. एकदम परफेक्ट लोकेशन से आए, यहाँ से रास्ता है. रास्ता थोड़ा सा ख़राब सा है, हल्का सा बारिश की वजह से, बट एकदम परफेक्ट. टिकट लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ. सामने है बायोलॉजिकल पार्क, जो दूसरा गेट है वो बायोलॉजिकल पार्क. बायोलॉजिकल पार्क जाने के लिए आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी. और ये है सामने सज्जनगढ़ जो फोर्ट है. एक मिनट, टिकट चेक करा लें. और ये हम अंदर पहले सज्जनगढ़ फोर्ट देख के चल रहे हैं. और वैसे जैसा कि भैया ने बताया, 4 किलोमीटर अंदर है. और सीरियसली यार, वैसे सही बात है, मॉनसून पैलेस, ये सज्जनगढ़ देखने का मज़ा जो इस टाइम है, जो मॉनसून में, वो कुछ अलग ही है. क्योंकि जिस हिसाब के आप देख सकते हो ग्रीनरी, और सामने बगल का रास्ता क्या आप देख सकते हो, ये यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है, सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस. बताया कि जो विंटर के सीज़न के टाइमिंग है वो 9 AM to 5:30 PM 21 अक्टूबर टू 15 मार्च तक. और फिर उसके बाद 16 मार्च टू 20 अक्टूबर 9 AM to 6 PM वो है आपके समर, नहीं सॉरी, ऊपर समर वाला, नीचे समर. तो ये तो है टिकट, और बाकी ये है बोर्ड. ये रास्ता गया है सीधा, और अपन चलते हैं अब सीधा सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए. और ये तो पता नहीं कहाँ गया, और ड्रिजलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, फिर से स्टार्ट हो गई. अब तो गाइस, जो ये 4 किलोमीटर का रास्ता है जो आप कवर करोगे, सीरियसली मैन, इतना ज़बरदस्त है. और जैसा कि आपको शायद देखते बन रहा होगा, और देखिए ड्रिजलिंग, और उसके बाद ये ग्रीनरी. सीरियसली यार, ये मिस किया. वैसे कल यही प्रोग्राम था, लेकिन काफ़ी बारिश हो रही थी. और फिर उसके बाद माता के मंदिर भी गए, शिव जी के मंदिर गए,
देन उसके बाद, लेकिन सीरियसली यार ये साइड में बाउंड्री, वैसे अगर रात के टाइम कोई आएगा तो सीरियसली डर ही जाएगा रास्ते को। वैसे गाइस सोचा था, लेकिन सीरियसली मुझे ये लगता कि अगर शायद मेरे से सज्जनगढ़ मिस हो जाता तो यार सीरियसली ये तो वाकई नेचुरल ब्यूटी अलग ही है। बिल्कुल नीचे आ गए हैं सीरियसली मैन, देखिए बादल पहाड़ से नीचे आ गए हैं। आप देख सकते हो जो कोहरा सा हो रहा है भाई, ये तो मानसून की सीरियसली जो चढ़ाई है ना कुछ अलग ही लेवल की हुई। प्रॉपर माउंटेन वाली फीलिंग आ रही है और ये तो सीरियसली यार बहुत अच्छा कर रखा है ताकि आपको सामने से पता पड़ सकता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर ब्लाइंड कट्स हैं। कुछ ज़्यादा ही जिग-जैग है जैसा कि आप रास्ते में देख रहे हो, मैंने कितनी बार गाड़ी शायद टर्न की है, और जैसा कि ये देख रहे हो पहाड़ के बिल्कुल यहाँ तो टॉप गियर लेना पड़ेगा, फर्स्ट गियर में चढ़ रही है। तो देख सकते हो गाइस कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करो यार। क्योंकि वैसे मैं कहना भूल जाता हूँ तो आप लोग करते नहीं हो, और वैसे अब बहुत देर से कैमरा वैसे मैंने सेट कर रखा था अपने मुंह की साइड कर लूँ, मगर मेरे मुंह इतना अभी कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कट मारना पड़ेगा। मुंह इतना अच्छा क्यों नहीं है भाई, अच्छा। और फिर से ऊपर ड्रिजलिंग zigzag यार, ये जो रास्ता यानी कब खत्म होगा। चलो गाइस ऊपर मिलता हूँ मैं, सीरियसली यार ये देखिए बिल्कुल बादल नीचे आ गए। गाड़ी गाइस हमने वहाँ पार्क कर दिया, और सीरियसली यार इधर तो पार्किंग भी बड़ी सेक्सी है, देखना नज़ारा। ओ मैन क्या नज़ारा है यार, यहाँ शायद चुंदा पैलेस कैफे एंड रेस्टोरेंट भी है। मैन मॉनसून पैलेस, सीरियसली हम मॉनसून में देखने आए हैं ना, इसका मज़ा अलग है यार। ये भी एक रास्ता है, यहाँ तो सब कुछ घूम ही दिख रहा है, बादलों के अलावा धुंध छाई हुई है। सीरियसली यार क्या नज़ारा है यार। तो गाइस ये है सज्जनगढ़ का लोकार्पण माननीय श्रीमती वीना काक। ओके नेचर इंटरनेशनल फिटनेस सज्जनगढ़ पर्यटन। वाह क्या कला है, महुआ सिपाही बुलबुल
और ये सज्जनगढ़ के हमारे राजा जी। गाइस सीरियसली यार, काफी शोर हो रहा है यहाँ, गूंज रही होगी। और यार वाह, जो बाहर का नज़ारा है ना, अलग ही है। नज़ारा कुछ अलग ही है गाइस, सीरियसली यार। और ये गाइस सज्जनगढ़ का जो फोर्ट है, वाह यार क्या पिक है। वैसे इन महाशय की वजह से इतना शोर हो रहा है कि शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। और ये लेपर्ड, वाह भाई खाई जाएगा क्या, खाई जाएगा क्या, बेचारा खा लिया, मार दिया बेचारा। ये है महाराणा फतेह सिंह, जो कि महाराजा सज्जन सिंह नाम से जाने हैं। कंप्लीट दिस प्लेस इज विच इज नेम्ड एज आफ्टर दिस, ओके 1884-1930 तक महाराणा सज्जन सिंह जी। गाइस इतनी पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन सीरियसली अब पता पड़ रहा है ये है महाराजा सज्जन सिंह, जो महाराजा हैं इन्हीं की वजह से ये जो नाम पड़ा सज्जन सिंह, सज्जन फोर्ट। कैमरा मैंने गाड़ी में इसलिए रख दिया यार, सीरियसली वैसे फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी क्या। मैन क्या नज़ारा है यार, खिड़की से जो हवा आ रही है ना, वाह यार एक नंबर हवा आ रही है। गाइस देख सकते हो वहाँ शेर ने ले रखा था, और यहाँ यहाँ क्या है यार ये कार कर। ओके इंडियन रॉक पाइथन, ये पूरा हिस्ट्री जिसके बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ काफी शोर हो रहा है गाइस, बाहर चलते हैं। व्यू दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा यार। यार सज्जनगढ़ से मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा व्यू दिखेगा, सीरियसली मैन। गेट का व्यू और गाड़ी हमारी वो पार्क है। और अभी थोड़ी देर पहले जब बादल आ रहे थे, शायद मैंने मोबाइल कैरी कर रखा है, यहाँ काफ़ी हवा भी आ रही है, तो शायद आपको वॉइस प्रॉपर आ रही होगी कि नहीं। अब बादल बिल्कुल गायब हो गए क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये पूरा सज्जनगढ़ का व्यू, सीरियसली मैन, सोचा था उससे कहीं ज़्यादा, एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। तो गाइस यहाँ स्मेल आ रही है, ओह गॉड, स्मेल चमगादड़ों की उसकी। तो ये हैं सीढ़ियाँ, चलते हैं ऊपर। व्यू है मैन, सीरियसली यार ऊपर से एक अलग ही व्यू है, जैसा कि आप देख सकते हो ये तीनों खिड़कियाँ। ये अंदर देखते हैं, दूसरा वे है। पहले कुछ फ्लोर्स खुले हुए थे, अभी ये सिर्फ दो फ्लोर्स हैं। गाइस टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, सो चलते हैं नीचे। तो एग्जिट करते हैं गाइस, एग्जिट क्या, एग्जिट पॉइंट ही इतना मस्त है यार, सीरियसली। ग्रीनरी तो एक अलग ही लेवल की है, सीरियसली। और जो व्यू है जहां से भी देख लो उदयपुर सिटी का, वो फतेह सागर लेक, सीरियसली यार व्यू तो एक नंबर है। और ये अब जो हम विजिट करके आए हैं, आप देख सकते हो सज्जनगढ़ को। ए,
लंगूर जा रहा है, लंगूर, और सामने ये सारे लंगूर। भाई जितनी तेजी से, तेजी नहीं जितना धीरे आया था उतनी तेजी से जा रहा हूँ, क्योंकि गियर भी नहीं लगा रखा है। और भाई गाड़ी अपने आप चल रही है, उल्टा ब्रेक लेनी पड़ रही है, लेकिन सीरियसली बहुत मज़ा आया। देखिए इस टाइम पे अब बादल नहीं रहे इन पहाड़ों पर, जब मैं अभी आया था इतने बादल हो गए, अब काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। वर्थ इट है यार, सज्जनगढ़ डेफिनेटली जाओ।